हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई के द्वारा बैठक आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजमेर ठाकुर द्वारा की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच द्वारा मांग की गई है कि परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन की समस्या से निजात दिलाई जाए और उनकी पेंशन का स्थायी समाधान बजट द्वारा ही किया जाए। जिलाध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने बताया कि 14 फरवरी को एचआरटीसी के अन्य संगठन द्वारा धरना दिया जा रहा है, जिसका परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच समर्थन नहीं करता है। उन्होंने बताया कि जो 17 फरवरी को बीओडी की बैठक होने जा रही है, उससे उन्हें काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो इनकी पेंशन का स्थायी समाधान बजट द्वारा करे। एचआरटीसी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग 17 तारीख को होने जा रही है, हमारी उसमें मांगें हैं। 8 सूत्रीय मांग पत्र जो है 3 नवंबर 2018 को निदेशक मंडल को हमने शिमला में दिया था और बैठक हुई थी, तो उन्होंने उस मांग पत्र पर चर्चा करते हुए कहा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जो होगी उसमें इस मामले को ले जाया जाएगा, जिसमें हमारा पेंशन के स्थायी समाधान की बात है। हम मांग करते हैं कि सरकार से कि हमारी पेंशन का स्थायी समाधान बस द्वारा किया जाए, और महंगाई भत्ता है हमारा जो पीछे इस सरकार ने हमें 12% दिया था, पिछली सरकार ने हमारा 5 साल से महंगाई भत्ता रोक रखा था, मगर इस सरकार ने हमारा 12% दिया था, उसके बाद 5% दिया, अब जो बकाया हमारा 7% महंगाई भत्ता है उसकी भी हमें आस जगी है कि इस बैठक में उसे भी सरकार हमें देगी। और हम यही मांग करते हैं कि जो भी महंगाई भत्ते का हमारा बकाया राशि है उसे तुरंत रिलीज किया जाए, मेडिकल बिल हैं दोनों साल से पेंडिंग पड़े हैं उन्हें दिया जाए, लोगों की ग्रेच्युटी कैश लीव जो रिटायर लोग हुए हैं उनको नहीं मिला है अभी तक, उनको भी इसमें उनको भी उनका पैसा जो है जल्दी मिले ताकि उनका गुजारा जो है अपने परिवार के साथ ठीक ढंग से हो सके। क्या गया है ये पहले से ही ग्रांट इन एड जो है HRTC को सरकार देती है, मगर वो पैसा जो है उसे HRTC अपने HRTC के लिए खर्च करती है। हम चाहते हैं कि हमारा पेंशन का जो फंड है उसमें अलग से बजट में प्रावधान करें। HRTC को चलाने के लिए तो सरकार हर साल देती है बजट में, परंतु पेंशनरों को जो है अलग से पैसा दिया जाए ताकि उस पैसे को HRTC खर्च ना कर सके, वो पेंशनरों के ही काम आए। कुछ लोग हैं, थोड़े से लोग हैं संगठन में अलग से, जैसे लोगों को आदत होती है कि अपनी लीडरी चमकाने के लिए, तो वो अपनी लीडरी चमकाने के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन रखा है, मगर हमारा जो कल्याण मंच है बहुत भारी संख्या में हिमाचल प्रदेश में है और रजिस्टर्ड है, तो ये जो है इसका समर्थन नहीं करता है, क्योंकि ये इस वक्त जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने जा रही है जिससे हमें कई चीज़ों की आस लगी है कि हमें मिलेगी, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं।